जय श्री गणेश दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में तिल चौथ जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों सकट चौथ व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है इसे सकट व्रत तिलकुट चौथ संकष्टी चतुर्थी और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है आइए जानते हैं कि 2024 में तिल चौथ कब है हिंदू धर्म में माघ महीने में आने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व माना जाता है इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं इस व्रत को सकट के अलावा तिलकुटा चौथ तिल चौथ माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा इसे लंबोदर चतुर्थी और संकट हरा चतुर्थी भी कहते हैं इस चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं साथ ही भगवान गणेश की भी असीम कृपा प्राप्त होती है दोस्तों वर्ष 2024 दो में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा इस तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी 2024 की सुबह छः बजकर दस मिनट से होगा और इसकी समाप्ति 30 जनवरी की सुबह आठ बजकर चौवन मिनट पर होगी कहीं यह पूजा दोपहर में की जाती है और कहीं यह पूजा प्रदोष काल में की जाती है सकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात्रि नौ बजकर दस मिनट पर होगा इस दिन भगवान को 21 दूरवा अवश्य ही समर्पित करना चाहिए और इस दिन तिलगुड़ का भोग भगवान श्री गणेश को लगाया जाता है और चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है तिलगुड़ के अलावा गन्ना शकरकंद और हरे फलों का भोग भी गणेश जी को लगाया जाता है मान्यता है कि भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा सकट चौथ के दिन ही की थी इसलिए इस दिन शिव जी माँ पार्वती चंद्रदेव और कार्तिकेय जी की पूजा भी की जाती है तिल चौथ पूजा विधि और कहानियाँ लेकर आपके साथ उपस्थित होंगी अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा जय श्री गणेश